नमस्कार, मैं हूं कविता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी मिताली राज से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। महिला टीम के मुख्य कोच रमेश पोवार ने BCCI को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें मिताली पर कोचों को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया। पोवार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मिताली ने उन्हें ओपनिंग करने का मौका ना मिलने पर महिला वर्ल्ड T20 से नाम वापस लेकर संन्यास लेने की धमकी दी थी। रमेश पोवार ने साफ कहा है कि भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान रही मिताली को कोचों के ब्लैकमेल करना और उन पर दबाव डालना बंद कर देना चाहिए। मिताली राज के बारे में उनके मुख्य कोच रमेश पोवार का ये खुलासा महिला T20 विश्व कप में भारत के प्रदर्शन पर कोच की तरफ से किए गए मूल्यांकन का हिस्सा है, जिसमें भारत को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में हार मिली थी। बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में मिताली को अंतिम एकादश से बाहर रखने की बात ने बड़े विवाद का रूप ले लिया और इस मामले में कोच पोवार से ही T20 विश्व कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी गई थी, जिस पर उन्होंने BCCI को मिताली राज के ओपनिंग करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया और ऐसा नहीं करने पर संन्यास ले लेने की धमकी भी देने की बात कही है। जिसके कुछ ही देर बाद मिताली राज का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मुख्य कोच रमेश पोवार और COA की सदस्य डायना एडुल्जी को उनको बाहर बैठाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।